नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक रूस यूक्रेन का मसला नहीं सुलझ पाया है। इसी बीच रूस में यूक्रेन को लेकर भी समर्थन बढ़ता जा रहा है और अब वो तो बाकायदा लोग पुतिन के खिलाफ हो गए हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी और अच्छी खबर आई है। क्या है उस खबर में, देखिए इस रिपोर्ट में। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को आप हमेशा धीर, गंभीर और शांत देखते होंगे, लेकिन पुतिन का पहली बार ऐसा चेहरा सामने आया है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो देख लिया आपने कि कैसे एक 8 साल की बच्ची से मिलने के लिए पुतिन कैसे खुशी से झूम रहे हैं। पहले वीडियो में आप देखिए बच्ची रो रही है, लेकिन दूसरे वीडियो में लड़की पुतिन के सामने है और काफी खुश नजर आती है। बात दरअसल ये है कि आप जानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। माँ बाप साथ हों तो बच्चे को कोई चिंता नहीं होती, न किसी बात का डर होता है। ये भी कहा जाता है कि बच्चों की जिद से जीतना बहुत मुश्किल काम होता है। बच्चे अपनी प्यारी प्यारी बातों से किसी से भी कुछ भी मनवा लेते हैं। ये बात एक बार फिर से सच साबित हुई है। एक 8 साल की बच्ची ने, जिसने रूस के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए वो कर दिखाया जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। इस बच्ची का नाम रायसज अकीपोवा है। कुछ ही दिनों पहले पुतिन ने जब उसके गृह क्षेत्र दागिस्तान का दौरा किया था तो भीड़ के कारण ये बच्ची उनसे नहीं मिल पाई थी। पुतिन से ना मिल पाने की वजह से रायसज की रोता हुआ वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद इसका पता चलते ही पुतिन ने बच्ची और उसके परिवार वालों को मॉस्को बुलाया। प्रोटोकॉल तोड़कर उन्होंने बच्ची का फूलों के साथ स्वागत किया। इस दौरान रायसज ने पुतिन से अपने गृह क्षेत्र के लिए बजट अनुदान मांगने के लिए वित्त मंत्री से फोन पर बात की, जिस पर उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया। वीडियो में पुतिन काफी खुश हैं और उस बच्ची के लिए दुखी दिख रहे हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो वीडियो वायरल हो रहा है और जिस तरह से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ऐसे में इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। पश्चिमी मीडिया इस वीडियो को क्रेमलिन और पुतिन का पीआर स्टंट बता रहा है। मीडिया का कहना है कि जिस युद्ध से 20 लाख से ज्यादा लोग
दूसरे देश में शरणार्थी हैं और लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और यूक्रेन के कई शहर भूतिया शहरों में तब्दील हो गए। ऐसे में लाखों बच्चे यतीम हैं और अपने माँ बाप से दूर हैं। इस पर पुतिन का दिल क्यों नहीं पसीजा, लेकिन एक लड़की के ना मिलने से बच्ची रोने लगी तो मिलने को बुला लिया। ये सारी बातें क्रेमलिन और पुतिन का पीआर स्टंट है। इससे आप समझ सकते हैं पुतिन और बच्ची का वीडियो पर कैसे राजनीति होने लगी है, लेकिन वो समझिए जो इस वीडियो में हो रहा है। लेकिन वीडियो काफी शानदार है, आपको हम फिर से एक बार दिखाते हैं, देखिए। Я когда уехал из Литвы, приехал в Москву, мне показали картинку, где ты плачешь. Я думал, что понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоит. Но все-таки твоя реакция меня расстроила. Поскольку я не могу сам ездить часто из Москвы, я решил пригласить. Тебе понравилось? А что ты? Прекрасно, хорошо. Пойдем, пойдемте, я покажу. Да, Антон Генрич. Да, вот он, у меня гости из Дагестана, из Дербента. Помните, мы с вами разговаривали, и Михаил Владимирович тоже, по-моему, говорил с вами, да? Там есть несколько вопросов. У них выпадающие доходы. Да, просто поздоровайся. Здравствуйте. Слышь? Антон? Да, да, да. Да, а ты что не отвечаешь? Ты же воспитанный человек. А, здравствуйте. Я просто так думал, что это... Да, решил, что это шутка, да? Не знаю, ты здоровый. Нет. Значит, у них там выпадающие доходы на несколько миллиардов, да? Это реконструкция уличной сети дорожной. Значит, затем развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Не хватает денег. Я понимаю. А? Вы приняли решение о том, чтобы добавить 5 миллиардов рублей на ближайшие годы. Отлично. Скажи спасибо. Спасибо. Все. Спасибо, Антон Георгиевич. Спасибо. Да, есть пока. Это, ты получила сейчас для Дагестана 5 миллиардов рублей. Пойдем.